माइकल मास्क वाला प्लेयर जिसने तुम पे हमला किया, वो कोई अपना ही टीम का बंदा था। मतलब मुझसे गद्दारी। माइकल मेरे हाथों से बच गया, बट मैंने उसकी 100 मिलियन की लैम्बोर्गिनी सियान को चुरा लिया। ट्रेवर मुझे बस माइकल मरा हुआ चाहिए, उसकी लैम्बोर्गिनी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डील, माइकल की लाश की हुई ना कि उसकी कार की। वो तो पता है, बस तुम पैसा रेडी रखना आज, क्योंकि आज माइकल का आखिरी दिन। ये छिला हुआ अंडा माइकल की एसपीजी सिक्योरिटी, निंजा सिक्योरिटी, मॉन्स्टर सिक्योरिटी को कभी नहीं मार पाएगा। लोहा लोहा कोई काटता, ये मत भूलो तुम से। हाँ ये तो सही का, अब मुझे बस वेट करना है माइकल कब मेरे ट्रैप में फंसता है, फिर आपका मैडी भी मेंशन आपके नाम। मैंने मास्कमैन की लोकेशन ट्रैक कर ली। बहुत बढ़िया काम किया हैकर, अब होगा गेम ओवर मास्कमैन। माफ करना माइकल, मेरा सपोर्ट नहीं था की। Hey guys, कैसे हो आप लोग, सभी का स्वागत एक नए एपिसोड में GTA 5 के। तो यार लास्ट एपिसोड में आपने देखा यार, हम लोग ने यार बढ़िया बढ़िया ना सिक्योरिटी के लिए कार्स खरीदे, खतरनाक लग्जरी कार्स हमने बाई की है ना, हमारे सीआरएच में हमने रख दिए। एंड वहाँ पर ना हम लोग ने फ्रैंकलिन की हेल्प की थी बलास गैंग से फाइट करने में। एंड वहाँ पर ना लेमार को वहाँ पर किडनैप किया था। एंड यहाँ पर ना हमको एक हैकर मिली, एंड यहाँ पर हमने ना उसको रेस्क्यू किया, एंड उसको ना हम लोग ने मेलिम मेंशन पर ला लिया, आप देख सकते हो। एंड हमने यहाँ पर ना हमको लेस्टर से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो हमारी ना लैम्बोर्गिनी सियान है ना, जो हमने वहाँ से परचेज की थी, वो ना रस्ते में चोरी हो गई। एंड पता नहीं कोई मास्क वाला बंदा था जिसने हमारी एक कार को चोरी किया, तो उसको हमको पता करना था। हम लोग वहाँ पर गए, एंड वहाँ पर भी थोड़ी फाइट चीट की, एंड वहाँ से ना वो मास्क वाला बंदा हमारे लैम्बोर्गिनी सियान लेके भाग चुका है। तो अभी आज ना हम लोग को वही करना है, एंड ना बहुत सारा गाइस जितने भी दुश्मन है आज उनकी बैंड बजानी है। यार ये हमारी हैकर है, आप देख सकते हो उसने हमको ना इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी हमारी लैम्बोर्गिनी सियान थी ना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी लोकेशन है ना GPS का, वो उसने निकाल दिया एंड ट्रैक कर दिया। तभी वही लोकेशन पर हमको जाना है, एंड हमको उसका पता करना है यार कौन है वो मास्क वाला बंदा जिसने ना हमारी कार चुराई। क्योंकि ना ये मास्क वाला जो भी बंदा है उसने हम पे अटैक करने की भी कोशिश की, बट हम लोग बच गए क्योंकि हमारे पास SPG सिक्योरिटी थी। तो यार अभी ना हम लोग के पास एक ही काम है, अभी ना हमको जाना है। तो उससे पहले यार हम लोग ना सबको शॉट आउट देते, जितने भी गाइस कल जितने भी चेक पॉइंट टाइप किए यार सभी को बिग शॉट आउट। अभी इतने सारे लोग हैं ना, मैं सबका नाम ले नहीं सकता हूँ। तो यार सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितने भी कमेंट्स किया तो यार सभी को दिल से शुक्रिया, जो भी यार प्यारे प्यारे कमेंट्स एंड सारे चेक पॉइंट्स कर रहे हैं ना, तो यार सभी को थैंक्स फॉर दैट। यार आज भी हम लोग चेक पॉइंट देंगे, तो यार सब लोग टाइप करना ना भूलना। और आज का वीडियो का लाइक टारगेट है यार 1.5K लाइक्स। तो यार पिछले एपिसोड में आपने लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तो यार इस वाले में ज़रूर कर देना, क्योंकि ना इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला, क्योंकि लास्ट का पार्ट मिस मत करना। अगर लास्ट का पार्ट मिस कर दिया तो यार फिर कुछ नहीं देगा आपने। तो यार चलो मैंने उसको बोल दिया यार तू ना चला जा, अपना सिक्योरिटी के लिए काम कर ले। एंड हम लोग हमारे SPG सिक्योरिटी के लेके ना हमारे गए इस लोकेशन है जहाँ पर हमारी लैम्बोर्गिनी सियान है ना चोरी हुई है, उसकी लोकेशन पर हमको निकलना है, क्योंकि ना उसमें GPS लगा था। एंड ना भाई आपको पता है लैम्बोर्गिनी सियान हर कितनी ना महंगी है, टोटल हमने ना उसको 100 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया है, मतलब इतनी महंगी ना कार चोरी हो चुकी है यार, मतलब मजाक चोरी है। तो यार अभी ना हमको यार आज मिशन करना है, पता नहीं यार ये कौन बंदा है, भाई मास्क पहना है इसका, मेरे को चेहरा याद नहीं, मतलब कौन है पता नहीं। तो यार हमारी सिक्योरिटी भी ना मैंने सिगरेट बनकर पे लगा के रखी है, मोस्ट का सिक्योरिटी अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कम सिक्योरिटी, क्योंकि ना हम लोग ने उसको सिगरेट बनकर पे रखा है। तो अभी हम लोग यार फटाफट से इनको बोलता हूँ यार, मिस्टर के को बोलता हूँ कि यार तू ना अपनी डिफेंडर ले ले, क्योंकि ना अभी आप देख रहे हो अगर सब लोग इसमें जाएंगे ना हम लोग इनके लिए कार्स खरीदें, एंड ये लोग यार मेरी गाड़ी में बैठ रहे हैं, मतलब ये वाली गाड़ी में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो यार मैं आपको दिखा दूँ, जिसने भी नहीं देखे कार्स हमने जो जो परचेज़ किए ना, तो यार एक बार यहाँ पे देख लो यार, अपने सिविक भी लिए एंड यहाँ पर रेंज रोवर भी लिए और GT मस्टैंग भी है और यहाँ पर डिफेंडर भी है। तो चलो यार यहाँ पर ना मिस्टर के ने हमसे कल रेस भी की थी और भाई साहब वो हार गया मेरे से, एंड बट चलो कोई ना, अभी ना इनको फटाफट से यार जो कार चाहिए ले लो। यार देख रहे हो कितना बड़ा वाला गैरेज है अपना, यार आप देख सकते हो यहाँ पर हमने गैरेज बनवाया है, मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है देख रहे हो। तो अभी ना हम लोग को यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी करना है एंड शोरूम भी ओपन करना है जल्द से जल्द। बट अभी ना हमारे लैम्बोर्गिनी सियान चोरी हो चुकी है, मतलब टोटल 100 मिलियन डॉलर की कार, जिसमें यार ये पूरे कार आ जाएंगे। बट चलो कोई ना यार, फटाफट से यार तुम दोनों ना अपने अपने गाइस जो भी कार से वो ले लो, क्योंकि आपको पता है रेड निंजा और मिस्टर के को हमने कार्स गिफ्ट की थी डिफेंडर, एंड दोनों को ना डिफेंडर ही पसंद आई है। यहाँ पर देख रहे हो मिस्टर रेड निंजा ने
वाइट डिफेंडर ली एंड उसने ना रेड डिफेंडर, तो हमने सारे सिक्योरिटीज को ना एक एक कार गिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको खतरनाक वाले कार से, तो आपने जो जो कार्स बोले हमने सब ऐड किए। तो चलो यार हम लोग ना फटाफट से निकलते हैं, अभी लैम्बोर्गिनी सियान का भी GPS ट्रैक करते हैं, क्योंकि ना हमें जो हमारी हैकर है जिसको हमने कल हेल्प की थी वो हमारे ना हैकर निकली और ना बहुत ज़्यादा ही हमको फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमने जिसको बचाया ना यार वो हैकर निकली, मतलब क्या ही बोले, मतलब मज़ा ही आ चुका है यार। ये देख रहे हो क्या ही गाड़ी चला रहे हो, मतलब डिफेंडर मैंने इनको दे दी ना और मैं कुछ सारी सादी वाली गाड़ी में निकल रहा हूँ, क्योंकि ना यार अभी मैं सोचा हूँ यार ये वाली गाड़ी फिरते हैं हमेशा ना, बढ़िया वाली लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं। बट यार गाइस आज सोचा यार चलो यार हम लोग ना कुछ सिक्योरिटीज के लिए ही इनके साथ निकलते हैं एंड चलो यार फटाफट से ना आपको लोकेशन पे मिल जाते हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं यार, यही लोकेशन है यार, ये लोकेशन यार कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये देख रहे हो क्या ही गाड़ी चला रहे यार, भाई साहब लोल हो गया बिल्कुल ही यार। यहाँ पे ना मेरे SPG सिक्योरिटीज है ना ये गिर चुके हैं यार, ये क्या ही गाड़ी चला रहा है, ये ना रेस लगाता है रेड निंजा, आपको पता है ये कितनी खतरनाक वाली इसने मेरे से रेसिंग की है। एंड भाई मेरे को हराते मैं बच गया, बट मैं ना थोड़े सेकंड के लिए जीत गया था, मतलब थोड़ा ही ना आर पार हो गया था, मतलब समझ रहे हो जस्ट इतना क्लोज थे ना भाई रेसिंग पॉइंट्स के वायर मतलब फिनिश लाइन के। बट चलो फाइनली हम लोग जीत चुके थे वाली रेस यार। अभी ना यहाँ पे मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे को लोकेशन मिली, बट ये जो मास्क वाला बंदा है ना मेरे को पता नहीं है कौन है, ये डगन बॉस का इंसान बंदा है या पता नहीं कोई और से कोई माफिया मतलब कोई और गैंग का बंदा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अपना दुश्मन यार आपको पता है डगन बॉस है, जो कि बहुत दिनों से ना आउट ऑफ टाउन है, और जो एंटोनियो था उसको तो हमने मार ही दिया है, वो तो उसका तो काम ही ख़त्म मैंने खुद हाथों से किया है। तो यार अभी पता नहीं यार कोई नया गैंग मेंबर या कोई नया दुश्मन तो नहीं आ गया ना हमारा। तो यार यहाँ पर ही कार्गो शॉप है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लोग ना मेरे लैम्बोर्गिनी सियान को यार कहीं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्गो की हेल्प से। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ही कहीं होनी चाहिए मेरी लैम्बोर्गिनी सियान, यहाँ पर ही कहीं लोकेशन ना जिसका GPS दिखा रहा है यहाँ पर मेरी, इन्होंने गाइस आई थिंक मेरा कार्गो में ना मेरे लैम्बोर्गिनी सियान को एक्सपोर्ट ना कर दिया हो। तो यार चलो मैं इनको बोल देता हूँ यार तुम लोग यहाँ पर ही रहो, मैं एक बार देख के आ जाता हूँ, क्योंकि ना यार अगर सब लोग मिलके जाएंगे ना यार जो भी दुश्मन है हमारा वो अलर्ट हो जाएगा। तो यार के और रेड निंजा तुम यहाँ पर ही रहना, मैं फटाफट से चेक करके आता हूँ, फिर मैं तुमको एक कॉल करूँगा अगर मेरे को सही टाइम लगे तो। चलो यार फटाफट से ना भी यार हम लोग कार्गो पे आ चुके हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है। बट यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये जो मास्क वाला बंदा है ना ये कोई हमारा मतलब जाने वाला ही बंदा है, मतलब उसकी मैंने देखा है ना उसकी फाइटिंग स्टाइल पूरी हमारे जैसे ही है, ऐसा लग रहा है कभी मैं उसके साथ मिला हूँ, पता नहीं यार ये बंदा है कौन यार जो भी हो, बट इसके नाम को बैंड बजानी है। मास्क मतलब पहना है, इसके मास्क के पीछे चेहरा हम लोग आज इसका रिवील करने वाले हैं लेस्टर की हेल्प से। तो यार मेरे को लोकेशन तो यहाँ पर ही दिखा रही है, एंड मुझे लोकेशन जो बोली ना जो हमारी हैकर है जिसकी हमने हेल्प की थी यार, मतलब उसी की वजह से ना हमको लैम्बोर्गिनी सियान मिल रही है, वरना अभी तक तो यार हमारी ये जो कार है अभी तक पता नहीं कहाँ एक्सपोर्ट हो गई होती। चलो यार एक सेकंड यहाँ पर ही कहीं, एक सेकंड मेरे को ना यहाँ पर ही कहीं लग रहा है आगे देख रहे हो कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा है दूर से, बट नज़दीक जाके देखते हैं क्या पता वो मेरे लैम्बोर्गिनी सियान तो नहीं है ना। एक सेकंड यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं भाई साहब, एक सेकंड यार इतने ज़्यादा लोग देख रहे हो यार, ये कोई गैंग है पता नहीं यार, ये लोकल ही बंदे लग रहे हैं मेरे को, सारे के सारे ना लोकल ही बंदे हैं, मतलब इनके पास तो चलो यार एक बार देख ही लेते हैं यार। ये तो वही बंदे जिससे हमने कल फाइट की थी, आपको याद होगा यार वही मास्क वाले बंदे हैं जो हमने लास्ट में ना उनसे फाइट की थी, एंड एक बंदे मास्क पहने वाले बंदे ने ना तो उसकी सफ़ेद टी शर्ट थी, एंड वो तो इधर नहीं है, मास्क वाला बंदा तो यहाँ पर नहीं है, एंड उसके बंदे एक यहाँ पर मेरे लैम्बोर्गिनी सियान देख रहे हो। चलो यार इनको फटाफट से मैं कॉल करके बोल देता हूँ। ऑल राइट गाइज यहाँ पे ना मैंने इनको कॉल कर दिया है, एंड भाई मैंने उनको बोला है आ जाओ, इतने खास बंदे नहीं है, इनके पास वेस्ट भी नहीं है ना ही कुछ, हम तो इनको आसानी से मार सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेस्ट है हमारे SPG सिक्योरिटी के लिए। एंड ना चलो यार ये कभी भी आते होंगे, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ अगर मैं इधर ना कुछ भी करता हूँ, तो लग रहा है वो आ चुके हैं। चलो यार गाइस यहाँ पे ना हमारे सारे के सारे बंदे यार वहाँ से हार्ट अटैक कर दिया यार, उधर से ही शुरू कर दिया। चलो सही है, इनके ना बैंड बजाएंगे अभी जो मास्क वाला बंदा है ना उसका हमको कैसे भी करके भाई। चलो यार हमारी SPG सिक्योरिटी यार खतरनाक वाली है, मतलब देख रहे हो सिर्फ चार बंदे ही मतलब इन पे ना भारी पड़ जाएंगे, एंड हमारा KB है और रेड निंजा तो यार आपको पता है ऑलराउंडर है, ये इतना खतरनाक बंदा है रेड निंजा,
मतलब आपने इसकी अगर वीडियो देखी है, मतलब पिछले वाले वीडियो में, भाई इतना खतरनाक वाला ड्राइवर है। और एक सेकंड, ये इतने खतरनाक लोग हैं, देख रहे हो ऊपर तक है। चल भाई तू भी ले ले, चल भाई, मेरे कुछ करने का काम ही नहीं है। ऑल राइट गाइस, ख़त्म है भाई, आ जाओ, तुमको भी ले लेंगे भाई, गजब है। चलो यार इनको सबको निपटा देते हैं, एंड इनको ना इनको बताते हैं कि यार अपन कौन है। साले हमारी कार चुराएंगे ये लोग, है कौन यार इनका। बस मेरे को बॉस मिल जाए ना यार, कैसे भी करके खतरनाक वाला प्लान बना के ना हम लोग इनका गेम ओवर कर सकते हैं। यार चलो गेम ओवर हो चुका है सबका, और यहाँ पर कोई मेरे को फायर तो कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर और लोग आ चुके हैं यार, जल्दी से मारो इनको फटाफट से यार, केयर इंजा बना, ये मेरी फिर से ना लैम्बोर्गिनी सियान लेके भाग ना जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ फाइट करते करते ना। एक सेकंड, ये लोग भाई सब यार, ये है कहाँ से ये, मतलब देख रहे हो कार्गो के ऊपर भी बंदे हैं, चिप के ऊपर भी बंदे हैं यार, ऊपर से फायरिंग हो रही है यार। मिस्टर के फटाफट से निपटा दे, वरना ना हमारे मिस्टर लैम्बोर्गिनी जो सियान जो कार है ना भाई, उस पर स्कैम ना हो जाए, मतलब स्क्रैचेस ना आ जाए यार। फटाफट से ना मेरे को आगे जाना पड़ेगा यार, ये ज़्यादा ही लोग हैं, बट ये सारे के सारे लोकल बंदे हैं, मतलब कोई ना इनके पास वेस्ट नहीं है ना ही कोई इतनी अच्छे खास गन है। तो यार ये पता नहीं, मुझे लग रहा है ना कोई यार लोकल वाले बंदे का काम लग रहा है। अगर डगन बॉस ऐसा होता ना तो ये काम नहीं करवाता, अगर डगन बॉस होता तो यार ये मेरी कार भी नहीं चुराता। बट डगन बॉस अगर, पता नहीं, अगर चांसेस तो लग रहे हैं मेरे को डगन बॉस के, अगर दूसरा दुश्मन देखा जाए तो। अभी सारे दुश्मन को तो हमने मार दिया है, बट डगन बॉस बचा है और क्रूज़र बचा है, जो कि डगन बॉस का ये कमांडो है, आपको पता है, जिसके ना खतरनाक वाली सिगरेट है डगन बॉस की, क्रूज़र के इधर ही है। एंड एक सेकंड, ये कार के नीचे कर क्या रहा है, खुद के बैठा है भाई, इसको लग रहा है हम लोग इसको नहीं देखेंगे यार, तू तो भाई क्या ही बंदा है। तो यार फटाफट से ना यहाँ पे हम लोग देख लेते यार, और कोई है तो नहीं ना यार, मेरे को एक बार जाके चेक ही करना पड़ेगा ऊपर से। एक सेकंड, यहाँ पे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। चलो यार फटाफट से ना, मुझे लग रहा है रेड निंजा, तू कहाँ से आ गया, रेड निंजा ने धक्का दे दिया मेरे को यार, क्या बंदा है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे सारे सिक्योरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। जबान मेरा थोड़ा सा पिसल रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि ना पता नहीं क्यों गाइस। चलो यार फटाफट से ना यहाँ पर थोड़ा सा गाइस आप देख रहे हो, अरे केक आ गया, अरे मिस्टर केक आ चला गया रेड निंजा, और मेरी यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान आप देख रहे हो यार, ये मेरी कार को एक्सपोर्ट कर रहा था भाई, इसको पता ये कितनी महंगी कार है, टोटल 100 मिलियन की कार है भाई, मतलब मजाक थोड़ी है, इस पर एक इतना खतरनाक वाला पैसा ना भाई, ज़िंदगी बैठ के भाई काम चलेगा भाई। अरे रेड निंजा, मिस्टर केक आ गया, कुछ पता है क्या यार, मिस्टर के दिख नहीं रहा अभी यार, मिस्टर के पता नहीं कहाँ चला गया यार, अभी उसके सारे जो भी सिक्योरिटी एसपीजी गार्ड्स हैं ना हमारे, चार के चार इधर ही है, बट वो कहाँ चला गया। एक सेकंड, मिस्टर के कहाँ गया, अभी यहाँ पर हमारे एसपीजी गार्ड्स तो फिर रहे सारे के सारे चार यार, सारे के सारे। एक सेकंड, भाई उसको किडनैप तो नहीं कर लिया ना भाई, उसको वैसे किडनैप तो कोई कर भी नहीं पाएगा, वो इतना खतरनाक बंदा है वो भाई, 1v4 या कितना भी कर सकता है, मतलब खतरनाक वाला कमांडो है ये भी। बट यार वो गया कहाँ पर, एक सेकंड यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर ऐसा ना हो कि इसको गोली तो लग गई ना। अरे रेड निंजा जाके देख यार, रेड निंजा बोल रहा है ना उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके गेम प्ले देखा है यार। रेड निंजा तेरी बात तो सही है, बट दिख क्यों नहीं रहा है ये। एक सेकंड, ये इधर छुप के बैठा है यार, लोल यार क्या ही बंदा है मिस्टर के। मिस्टर के बोल रहे हैं ना ऊपर अभी और भी लोग हो सकते हैं यार, ऊपर के सारे लोग को तो हमने मार दिया वैसे, बट चलो कोई ना, मुझे लग रहा है अगर कोई नहीं है तुम यहाँ पर ही रहना, एंड तुम देखते रहो यहाँ पर, तुम लोग हम लोग निकलते हैं यार। इसका कहना है कि यार यहाँ पे ना और भी बंदे हो सकते हैं, मतलब यार ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग ना फटाफट से हमारे लैम्बोर्गिनी सियान को लेके ना हम लोग निकलते हैं यार। रेड जा जल्दी से मेरे साथ आ जा, अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई ना कोई चाहिए ज़रूर, वरना कोई बीच में आ गया ना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इन लोग को मैंने बोल दिया यहाँ पर ही रहना, मतलब हमारे साथ निकल जाना, पीछे से आ जाना थोड़ी देर के लिए। मिस्टर के बोल रहा है कि यार मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे क्या सीन हुआ है क्या नहीं, तो चलो यार कोई बात नहीं, ऑब्जर्व कर लो। एंड फटाफट से हम लोग निकलते इधर से, और मेरे लैम्बोर्गिनी सियान यहाँ पर देख रहे हो, उस पर ना पूरा पैकेज पूरा मतलब लगा हुआ है हम लोग, उसको अभी रैंप नहीं है मेरे पास, वरना मैं उसको अनलोड यहाँ से कर लेता। अभी इसके ट्रक की स्पीड आप देख रहे हो 30 है, तो यार क्या ही बोले, तो इसलिए हमको ना इधर से उसको
ट्रक में लेके जाना पड़ेगा। एंड ये रास्ता देख रहे हो, एक सेकंड, ये बाइकर्स कहाँ से आ गए इनकी भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं बाइकर्स, देख रहे हो यार, ये तो मेरे पे अटैक कर रहे हैं भाई, क्या ही सीन है यार, ये बाइकर्स कहाँ से आ गए यार, ये वही मास्क वाले बंदे लग रहे हैं मुझे यार, जिसे हमने अभी मारा ना थोड़ी देर पहले यार, ये मास्क वाले बंदे की बैंड बजानी पड़ेगी यार, इसको कार से लेना देना क्या है, मतलब इसे समझ नहीं आ रहा है मेरी कार किसने ठोक दी यार, यार तेरी तो यार भाई निकल साला, खुद भी मर गया, 100 मिलियन की कार को ना भाई धक्का दे रहा है, खुद के 1 लाख की गाड़ी भी नहीं होगी। चलो यार भाई साहब घूट कहीं का, चलो यार नहीं रहते जल्दी से बैठ जाओ, उससे पहले कोई और हमें ठोक दे, तो यार फटाफट से हमको निकलना पड़ेगा इधर से, वरना स्कैम ना हो जाए। चलो यार अभी यहाँ पर देख लो पूरा रास्ता क्लियर है, बिल्कुल यार रास्ता क्लियर है, और यार सारे के सारे मुद्दे चैट पे लैम्बो लिख देना, पहला चेक पॉइंट है लैम्बो, ओके यार, तो पहला चेक पॉइंट लैम्बो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आउट ज़रूर मिलेगा, तो फटाफट से लैम्बो ज़रूर टाइप कर देना। एंड यहाँ से हम लोग ना फटाफट से निकलते हैं और देखते हैं आगे जाके क्या होता है यार, गाइस गाड़ी ज़्यादा ही ठुक रही है, क्या ही बोले, बट कोई बात नहीं। तो यार मुझे रेड निंजा कह रहा है कि हम लोग को ना यार सिक्योरिटी लेके जाना चाहिए था, हम लोग अकेले निकल गए यार, अभी हम पे ना अटैक भी हो सकता है यार, मैं बोल रहा हूँ यार डरने की कोई बात नहीं है यार, मुझे नहीं लग रहा है कि अटैक हो पाएगा, तो यार चलो फटाफट से ना हम लोग यार लोकेशन की ओर पे निकलते हैं यार, रेड निंजा तू ना फालतू को डरता है, अभी हम लोग थोड़ा आगे जाना पड़ेगा एंड देखते हैं गाइस क्या होता है, गाइस मुझे लगता नहीं कोई अटैक कर पाएगा यार, एक सेकंड गाइस हम लोग ना थोड़ा दूर ही आए थे जस्ट, एंड हम पे ना देख रहे हो अटैक हो रहा है वो भी आरपीजी से, यार रेड निंजा तूने सही कहा, बिना हम लोग को कैसे भी करके यार हमारे सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर और सारे सारे जितने बंदे हमारे उनको बुला, यार देख रहे हो आरपीजी से फाइट, अरे यार मेरी यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सीआर कुछ ना हो जाए यार, ये देख रहे हो लोग, अरे यार छपरी कही के यार मेरे मतलब आरपीजी कहाँ से आए लोग के पास, देख रहे हो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अरे इनको आरपीजी किसने प्रोवाइड किया भाई, लोल मतलब देख रहे हो इतने ये छपरी लोग हैं ना यार, इनको उतर के दिखाना पड़ेगा, इनके पास देख रहे हो मतलब ये लोकल बंदा है, इसके पास आरपीजी कहाँ से आया, मतलब आरपीजी क्या चीज़ होती है इनको, मतलब लोल इतना हाईटेक वेपन है ना यार, ये आरपीजी इतने आसानी से मिलता नहीं है, एंड इन नूबड़ों के पास कहाँ से आ गया, लग रहा है ये कोई ना भाई बड़ा आदमी काम करा रहा है, अभी इतना तो मेरे को पता चल गया, अब ये जो भी लोकल बंदे ना इनके पास इतना महंगा वाला आरपीजी आना मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार, मतलब क्या ही बोले। तो यार एक सेकंड गाइस, सो यार अभी ना मैं आगे आ ही रहा था एंड यहाँ पर देखो गाइस भाई गोली चलने की आवाज़ आ रही है, एंड ऊपर देख रहे हो हेलीकॉप्टर, यार मतलब क्या इस स्कैम है भाई, ये देखो यार फटाफट से यार मेरे सिक्योरिटी को कॉल तो कर दिया है, सिक्योरिटी को सॉरी यार मैं इस पर से सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जबान ना सिक्योरिटी के टाइम में रुक जाती है, और सिक्योरिटी बोलना है बट कोई ना यार, अभी फटाफट से निकलता हूँ एंड ये देख रहे हो रेड निंजा यार अभी कहाँ फंस गए यार, अभी हम लोग ने यार मिस्टर के को कॉल कर दिया, अभी मिस्टर के ना आगे निकलते होंगे एंड अभी ना यार हमारी लैम्बोर्गिनी की सीआर कुछ हो गया ना यार, अभी मैंने सारे पैसे लगा के यार आपको पता है यार लैम्बोर्गिनी सीआर परचेस किए हैं, अगर इसको कुछ हो गया ना यार अभी लग जाएंगे खतरनाक वाले पकौड़े लग जाएंगे, तो यार ये हेलीकॉप्टर को मारने के लिए मेरे पास आरपीजी तक नहीं है यार, अभी आरपीजी लेके मैं ले लेता हूँ वहाँ से यार, बट गलती कर दिया मैं उठाना वहाँ से भूल गया, हमको लगा हमको क्या पता मैं आरपीजी से फाइट हो गया, हम लोग सिर्फ सारे गन लाए थे, बट यार ये मेरे पीछे ना अभी भी पड़ा है, और यार इसको कुछ करना पड़ेगा, अभी कॉल तो मैंने कर दिया वैसे उसको, अभी ना यार उसने फ़ोन उसको फिर से लगाता हूँ एंड पूछता हूँ यार फटाफट से ना यार जल्दी से कर एंड आगे से आना पीछे से मत आना, क्योंकि ना यार ये आरपीजी वाला बंदा मतलब ये हेलीकॉप्टर ना शॉर्टकट मार के आना, तो यार उसको मैं फटाफट से बोल दूंगा यार गाइस चलो यार फटाफट से ना मैं शॉर्टकट मारता हूँ ऐसा कोई रास्ता जहाँ से ना इसको ये हमको फॉलो ना कर सके, अभी तो यार ये हाईवे यार लोड हो रहा है कतई यार, एक सेकंड भाई ये बंदा आरपीजी ना मार दे बस, ये देख रहे हो मतलब क्या ही कर रहे हैं भाई, क्या ही मेरे गाड़ी को फॉलो कर रहा है यार, ये डगन बॉस का बंदा ही लग रहा है मुझे ना 100% श्योर हूँ ये डगन बॉस है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा बजट ना सिर्फ डगन बॉस का हो सकता है यार, हेलीकॉप्टर एंड आरपीजी एंड इतने सारे लोग एंड वो भी लोकल बंदों के पास इतने बढ़िया बढ़िया गन्स, मतलब लोकल बंदे यार मेरे पे क्यों अटैक कर पाएंगे, बट यार पॉइंट की बात है यार डगन बॉस के पास इतना पैसा है तो यार वो मेरे लैम्बोर्गिनी सियान को क्यों चुराएगा यार, पता नहीं यार हम लोग को ना अभी सारा का सारा मैटर सॉल्व करना पड़ेगा यार, काम किसका यार, ये मास्क मैन ही
डग्गर बॉस तो नहीं, क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है डक्कन बॉस यार इतने आसानी से आएगा। बट चलो कोई ना यार, फटाफट से ना, अभी कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा वरना स्कैम ना हो जाए। और हमारी गाड़ी को स्क्रैच आ गया ना यार, फिर तो यार पैसा भाई बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। आपको पता है इसके पार्ट ना बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो यार इतनी आसानी से इसके पार्ट मिलते नहीं है। बट हमारे पास बेनी है तो यार कोई ना, बट बेनी को भी पैसे देने पड़ेंगे। ये देख रहे हो मैंने इसको यार, भाई रोड पे से देख रहे हो अटैक किया जा रहा है यार। मेरे पास कैसे भी करके ना अभी मिस्टर के का वेट करना है। मिस्टर के को मैंने बोल दिया है गाइस, ठीक है ना, वो बोल रहा है मैं निकल चुका हूँ, आप बस एक लोकेशन पे आ जाओ, पूल वाले एरिया पे आ जाओ, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। यार ये पूल वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ही नज़दीक है यार, बस थोड़ा ही नज़दीक है, हमको उधर जाना है। एंड वो बोल रहा है कि मैं वहाँ से ना शॉर्टकट मार के इधर से आया हूँ। यार चलो, वो डायरेक्ट बंदा हाईवे से इधर आ चुका है और हम लोग ना उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। उसके पास ना आरपीजी है, अभी यार देखना पड़ेगा क्या होता है। यार एक सेकंड, अब फटाफट से यार निकलना पड़ेगा यार। ये क्या ही मतलब रेड निंजा, इसको मैं सही बोला आपको ना, सिगरेट लेके जानी चाहिए थी यार। गाड़ी पे पलटा रहा हूँ यार, मेरे गाड़ी पर स्क्रैचेस आ रहे हैं, देख रहे हो लैम्बोर्गिनी पे यार, इस पे यार बहुत ज़्यादा ही वाला नुकसान हो चुका है, मतलब गंदा वाला नुकसान हो गया है। अभी हमारे पास आरपीजी नहीं है ना यार, बस एक सेकंड गाइस, हमको ना बस वेट करना है यार, केक के पास जाना है और यार फिर ना हमको इसका गेम बजाएंगे। बस थोड़ा ही दूर है, बस थोड़ा ही दूर, और हम लोग गाड़ी रुका भी नहीं सकते। अगर गाड़ी रुका दिए ना तो यार ये लोल कर देंगे हमारे साथ, एंड सारी की सारी हमारी मेहनत पानी में जाएगी। यार कैसे भी करके ना राइट में चल जाता हूँ, एक सेकंड, राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट, एंड चलो यार ये फिर भी अभी भी आ ही रहे हैं यार। लेफ्ट राइट में तो आ चुका हूँ, बट सामने से गाड़ी आ रही है, कोई ना यार, मेरे को ये रास्ता दिया था। बट यार कौन से वाला पुल पे यार, मिस्टर के कौन से वाले पुल पे तू यार? यहाँ पे तो यही वाला पुल है यार। अभी ना यार मिस्टर के पता नहीं कहाँ चला गया यार। मिस्टर के तू कौन से वाले पुल पे यहाँ पे बोला था ना मुझे? यार सामने से गाड़ी आ रही है भाई, बोल यार क्या ही बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ही दूर है, आई थिंक मेरे को लग रहा है ना आगे वाले पुल पे होगा। तो यार चलो यार, आई थिंक गाइस यही वाला पुल है और यहाँ पर ना होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। एंड ये वाला पुल पे तो नहीं, आगे वाले पुल है आई थिंक ये, हाँ ये दिख रहा है मेरे को। यस गाइस के आ चुका है, ये देख रहे हो सामने यार, के जल्दी से फायर कर दिया आरपीजी से। ऑल राइट, बहुत सही भाई, कुछ हुआ नहीं हेलीकॉप्टर को, ये क्या बात है यार। ये हेलीकॉप्टर, अरे ट्रक पे ही फायर हो गई गलती से, ट्रक बीच में आ गया यार। ये ट्रक क्या बंदा यार, खुद की मौत मतलब, जल्दी से फायर कर दे। अरे कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, क्या सीन है भाई? दो हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए, ये पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर है। अरे इसको इतना आरपीजी मार रहे बट कुछ हो ही नहीं रहा यार। रेड निंजा, वैसे तो हम लोग मर जाएंगे, फटाफट से इसका गेम ओवर करो। रेड निंजा बोल रहा है उसके ना टाकी पे मार, जहाँ फ्यूल होता है। सही कहा, जहाँ फ्यूल होता है ना वहाँ पे मारो। रेड निंजा का दिमाग बहुत सही है, एंड भाई साहब क्या दिमाग लगाया रेड निंजा यार, बहुत सही यार। जहाँ फ्यूल की टंकी ना वहाँ पे ला मार दिया यार। रेड निंजा यार तेरी तारीफ करनी पड़ेगी यार, इसका दिमाग ना दौड़े मतलब घोड़े जैसा ना दौड़ता है यार। ओ पी यार, चल यार मिस्टर के पास भी दिमाग है बट इतना उसने सोचा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, बट वैसे तो फूट ही जाता है, बट ये पता नहीं है। इन लोग को तो आग लग चुकी है, देख रहे हो इनके कपड़े, देखो एक बार भाई, बिल्कुल ही छपरी है, मतलब लोकल लोग है यार, क्या सीन है। इनके हेलीकॉप्टर किसने दे दिया इनके हाथों में यार? ये तड़प तड़प के मर रहा है बेचारा, बट ना यार इसको मैं मरने दूंगा, एंड इसने ना मेरी जान लेने की कोशिश की। इसको मैं बचा तो सकता हूँ बट मैं नहीं बचाऊंगा, क्योंकि ना यार, अरे यार अभी तो चिचड़े फाड़ दिए यार के ने यार, क्या सीन है। चल बहुत सही किया, वैसे बेचारा जल रहा था, एंड उसको ना एक ही बारी में मार के ना उसका गेम ही ओवर कर देते, वरना बेचारा तड़प तड़पते रहेगा। चलो यार बहुत सही। तो यार अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड आगे का पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ना आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में यार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना गाइस। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, एंड उस पर हम लोग सारे अपडेट देते रहेंगे, आपको क्या क्या पसंद है क्या नहीं है तो मैं उस पर आप मेरे को बताना। फिर वहाँ पे ना हम लोग जो आपकी सजेशन होंगी, मतलब आपको मैं पूछूंगा, तो वो ज़रूर ऐड करूँगा। तो यार व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो चल मिस्टर के यार, बहुत अच्छा काम किया तूने मेरे को मतलब बचा के, मतलब चल अभी फटाफट से ना हमको निकलना है अभी हमारे मैंने भी मेंशन पर, एंड अगर कुछ ना हो जाए अभी यार मास्क मैन का ना फर्दा पास करना है कैसे भी करके।
अब ये मास्क मैन जो भी है एंड इसके पीछे कौन है मेरे को नहीं पता, ये मास्क मैन ही करा रहा है, बट ये मास्क मैन का चेहरा क्या है मेरे को कुछ पता नहीं। अभी आज हमारे पास हैकर तो है एंड सोनिया जो हैकर है ना जिसको हमने बचाया है, तो यार वो हमारी हेल्प कर दे, क्या पता वो या लेस्टर से हम लोग हेल्प लेंगे। सबसे बड़ा हैकर तो लेस्टर है, बट यार ये जो लड़की है ना सोनिया, ये भी खतरनाक वाली हैकर। तो यार यहाँ पर रेड निंजा पहरा दे रहा था हमारी कार के पास, यार कोई कुछ हुआ तो नहीं ना यार, पुलिस गिलिस ना आ जाए फटाफट से निकलो, क्योंकि ना ये एरिया सिटी वाला है, यहाँ पर ना ज़्यादा ही पुलिस वाली एक्टिव होती है, कोई कंप्लेंट कर दिया ना तो यार लग जाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर फालतू का नुकसान हो चुका है बहुत ज़्यादा ही। और चलो फटाफट से यार यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, के अभी के को कहाँ बिठा दें? अरे के को यार एडजस्ट नहीं करेंगे। एक काम कर मिस्टर के, यार गाड़ी में जगह तो नहीं है, एक काम कर तू पीछे बैठ जा। अब क्या करें यार, तू क्या ही बोले, अभी हमारे साथ तू रहना ही पड़ेगा, वरना ना और बंदे आगे ना लग जाएंगे। यार वैसे उसने कार तो लाई थी गाइस, बट अगर कोई और अटैक कर दिया ना, इसके पास आरपीजी है तो यार ये सब की बैंड बजा देगा, तो यार के लिए ओपी होना चाहिए। तो फटाफट से यार, अरे यार मेरे आज ड्राइविंग स्किल को क्या हो गया है, मैं हर गाड़ी को आज ठोकी रहा हूँ, पता नहीं यार आज जल्दबाजी में ना, मतलब यार ये मेरी सुपर कार है, मैं इसको अभी तक चलाया नहीं हूँ, एंड चलाने से पहले स्कैम हो जाता है ना, ऐसे होता है, एंड एक सेकंड लग रहा है ना मेरे पुलिस लग चुकी है। यार पुलिस को किसने कॉल कर दिया, अब क्या हम लोग पुलिस से बचना पड़ेगा यार, अभी ना फटाफट से मेरे को अभी कोई सेफ इस एरिया में जाना पड़ेगा, जाना पुलिस ना हो सके। यार पुलिस को मत मार के यार, वरना बैंड बच जाएगी, पुलिस से पंगा मत ले, अगर पहले ना कमिश्नर जो है ना उससे हमारी दुश्मनी हो चुकी है बहुत बड़ी वाली, क्योंकि ना वो एंटोनियो उसका दोस्त था आपको पता ही है, एंड उसने मेरे को नोटिस भी भेजी थी यार मेल इन्फॉर्मेशन खाली कर दो वरना ना रेड कर देंगे तुम पे, ये कर देंगे यार, बट अभी तक ना उसको पैसे खिलाने पड़ेंगे, वो बंदा ना पैसों वाला गेम है, मतलब सारा का सारा ना पैसा उसके मुँह में डालो एंड उसका मुँह बंद हो जाता है। एंड चलो यार फटाफट से अभी मैं जो सेफेस्ट एरिया में जाना पड़ेगा, जाना पुलिस ना हो, अभी हम लोग मेल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे ना यार, तो उसको पता चल जाएगा हमारा घर कहाँ पर है, एंड घर पता चल गया ना पुलिस को तो फिर भाई गेम ओवर है, एंड कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमारा गेम ही ओवर है, मतलब सारा ब्लैक मनी हमारे पास जितना भी पैसा है ना वो सारा का सारा चला जाए। तो अभी फटाफट से हम लोग को यार ये पुलिस वालों को मार दे फटाफट से, चल अभी काम करें इनको मार ही दे, और कोई रास्ता ही नहीं, क्या ही करें। एंड एक सेकंड यहाँ पे पुलिस वाले और भी आ रहे हैं क्या, यार ये देख रहे हो ये पुलिस है ना, सारे के सारे कार साथ देख रहे हैं, दुबई का जो शेख है ना आपको याद, जिससे हमने कार परचेस की है, तो भाई सबको एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सारी लॉस एंटस ना पुलिस की कार मॉडिफाइड हो चुकी है, मतलब देख रहे हो मतलब एकदम है ना भाई मॉडल ज़माने की पुलिस हो चुकी है, तो यार बढ़िया यार, बट बढ़िया हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ना यार ये जो कार से यार ये हमको पकड़ने में मतलब ईजी जाएगा। तो फटाफट से हम लोग लोकेशन की ओर पर निकलते हैं, एंड हमको ना आई थिंक कहीं एक सेफेस्ट एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग सेफ हो सके। तो यार सेफ एरिया रेड निंजा तुझे कहीं पता है क्या, रेड निंजा कह रहा है कि यार आसपास चलो, अभी ना हम लोग को जगह मिल ही जाएगी एयरपोर्ट की ओर, यार एयरपोर्ट की ओर जाएंगे तो और फंस जाएंगे ना रेड निंजा, ऐसे क्या बात है यार। भी फटाफट से ना यार ये मिस्टर की अपना काम कर रहा है भाई, जितने भी पीछे लोग हैं ना पुलिस भाई देख रहे हो सबको मार दिया इसने, यार गजब है यार मिस्टर के, यार मिस्टर के की फाइटिंग एंड रेड निंजा, यार ये दोनों का कॉम्बो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, निंजा सिक्योरिटी प्लस एसपी की सिक्योरिटी का कॉम्बो ना बहुत खतरनाक है। तो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, एंड हमको और सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए बताना, क्योंकि ना यार अभी हमने पास पैसा ज़्यादा है, एंड अभी बिजनेस हमको करना है, अभी तो बिजनेस भी करना है, कौन सा बिजनेस करना है ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि अभी ना इनकम सोर्स होना ज़रूरी है, हम लोग चोरी तो करते हैं बट बिजनेस भी होना चाहिए। तो आप लोग बताना यार, मैं कार शोरूम तो ख़रीदने वाला था बट आज ही मेरे साथ लोन हो गया, तो हमको अभी शोरूम भी ख़रीदना है, बढ़िया सा एक शोरूम देखेंगे जिसमें हम लोग हमारी कार रख सकते हैं, बट मैं वहाँ पे ना तो वहाँ पर जाए ना गाइस, हमारा जो घर है मेलिनेशन वहाँ पर मैंने गैरेज तो बनवाया कंस्ट्रक्शन करके, बट वहाँ पर ना ज़्यादा पब्लिक रहती नहीं, मतलब वो हाईवे रोड है ज़्यादा लोग नहीं है। तो यार मिस्टर निंजा कह रहा है अपने को कि यहाँ से गाड़ी नीचे ले लो, अरे यार आराम से यार रेड निंजा तू सही तो बोल रहा है ना, यहाँ पे अगर हम लोग फंस गए ना बैंड लग जाएंगी, पहले बता रहा हूँ अगर पुलिस इधर आती है ना भाई लग जाएंगे हमारे खतरनाक वाले। रेड निंजा बोल रहा है इधर ना पुलिस नहीं आएगी, टेंशन मत लो यार, वो तो मुझे भी पता है पुलिस जाएंगी, क्योंकि ना यहाँ पे उनको पता है कि ये एरिया में अगर आए ना
तो आ ही नहीं सकते। चलो यार कोई बात नहीं यार, मिस्टर रेड निंजा का IQ बहुत ज़्यादा ही हाई है, मतलब उनको पता अगर हम लोग इधर आएंगे तो जाने का रास्ता नहीं है और पुलिस भी पीछे नहीं है, तो चलो यार बहुत सही है। एंड हम लोग ना इधर ही थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरे पीछे पुलिस भी नहीं थी क्योंकि मिस्टर के ने सबको ही मार दिया, बस हमारे पे केस ना बन जाए एंड कोर्ट में ना जाना पड़े, हम लोग को जेल ना हो जाए या बस हम लोग को यार प्रॉब्लम ना हो जाए। तो चलो यार पुलिस जा चुकी यार, बहुत सही ज़्यादा ही जा चुकी यार। अभी ना हम लोग ज़्यादा वॉयलेंस नहीं करेंगे सिटी के अंदर, यार बाहर किया ना चलता है गाइस, बट वॉइस सिटी के अंदर हम लोग ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट करते ना यार फिर तो बैंड बज जाती है ख़तरनाक वाली। तो यार भी फटाफट से हमको निकलना पड़ेगा हमारे इस वाले कार को ना, हम लोग क्या करते गाइस हमारे सिगरेट बनकर पर आई थिंक हमको जाना छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट बनकर है ना अपना, वहाँ पर उसको जाके फटाफट से रख देंगे एंड हमको वेट करना पड़ेगा। ये जो भी बंदा है ना मास्क वाला, इसका भी पर्दाफाश करना है और गाइस क्या ही कहे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं एंड देखते हैं ना गाइस आगे का क्या सीन है। मुझे लग रहा है कि यार अभी जो भी बंदा है ना इससे भाई बैंड बजानी पड़ेगी वरना हम पे ना ये भारी पड़ सकता है। तो एक सेकंड यहाँ पर गाड़ी को ना मैं बराबर से ले लेता हूँ एंड निकलते हैं हमारे सिगरेट बनकर की ओर, जो कि आपको पता है हमारा राइट गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे सिगरेट बनकर पे। आपको पता है ये वाला सिगरेट बनकर मैंने एंटेनो से जुड़ाया था एंड ये उससे पहले क्रूजर का था, बट क्रूजर ने पता नहीं कब उनकी फाइट हुई एंड उनका बिना यार ये बनकर चुरा लिया था एंटेनो ने, बट एंटेनो वाले जो बंदा था उसका भी गेम ख़त्म कर दिया एंड ये वाला बनकर हमारे नाम हो चुका था। तो यार अभी चलो फटाफट से मेरे यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान को ना भी हमको यहाँ तक ही वेट करना पड़ेगा, बिना पुलिस यार ज़्यादा ही जागरूक है एंड अभी हमारे पास ना ज़्यादा गाइस टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा यार नज़दीक है तो यहाँ पे हम लोग हमारे लैम्बोर्गिनी सियान को ना ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे गाइस और भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हैं, बट अभी ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने बोला है कि उधर चले जाओ क्योंकि ना वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। एंड ये देखो यार ये सिगरेट पी रहा है अभी भी, मतलब क्या ही बोले, मिस्टर के का काम सिगरेट पीना ही है। तो यार अभी देख रहे हो फटाफट से ना यार अभी इसको मैं यहाँ पे कहीं पार कर दूँ एंड फटाफट से फिर हम लोग ना यार गाइस अपना अपना काम करते हैं एंड ये और सेकंड आपको बनकर टाइप करना है, चेक पॉइंट है, सेकंड चेक पॉइंट बनकर है। तो यार जो सारे के सारे चेक पॉइंट्स टाइप करेंगे ना उसको शॉर्ट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। तो चलो यार तुम लोग ना भी फटाफट से रात होने तक वेट करो, मतलब हम लोग इसको रात में लेके जाएंगे। अभी इस पर जितने भी स्क्रैचेस आए ना अभी ख़तरनाक वाला नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक वाला नुकसान हो चुका है। फिर फटाफट से हम लोग को यार देखना पड़ेगा कि यार अभी ना क्या क्या स्क्रैचेस आए। एक सेकंड यार देख रहे हो स्क्रैचेस, मतलब गोली लगी है, तीन चार गोली लगी है और कोई बड़ा काम नहीं है वैसे। और आई थिंक इस पे ना ट्रक इसके टायर भी फट चुके हैं, आई थिंक मेरे को यही लग रहा है। अभी इसको ना हमको बैनी के पास लेके जाना पड़ेगा यार, पता नहीं अगर दूसरे के पास लेके जाएंगे तो। तो चलो यार तुम ना आराम कर लो, अभी आज ज़्यादा ही फाइट हो चुकी है, तो चलो यार थोड़ा मैं भी आराम कर लेते हैं गाइस एंड ना फिर हम लोग डायरेक्ट रात में आएंगे अभी के लिए, क्योंकि ना गाइस अभी जो है ना बिल्कुल ही गाइस अभी सही टाइम नहीं है। अभी रात में अभी हम लोग निकलेंगे ना, अभी थोड़ा टाइम शांत होने दो क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलते हैं ना, अभी आपको पता ही है, पता नहीं है मास्क वाले बंदे और पुलिस अभी हमारे पीछे पड़ी है, तो अभी हम लोग बाहर निकलना मतलब जान से मरना है। तो यार अभी ना कैसे भी करके हमको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, फिर रात होने तक वेट करते हैं एंड फिर ना हम लोग कार को लेके जाएंगे बेनी के पास और फिर ये जो मास्क वाला बंदा है ना इसका गेम ओवर करना है। अभी लेस्टर के पास जाता हूँ या जो मेरी हैकर है ना उससे भी पूछ लूँगा, बट उससे हम लोग भी पूछेंगे, बट उससे हमें इतना भरोसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि ना ये अभी नई नई हमारे टीम में ज्वाइन की, तो मैं इतना उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अभी लेस्टर बोलेंगे यार नई टीम में हैकर क्या आ गए तू, मुझे ही भूल गया। तो यार चलो कोई बात नहीं, उसका भी हम लोग ना काम कर देंगे एंड उसका भी लेस्टर से मिलवाएंगे, क्या पता लेस्टर उसकी पोल खोल दे या पता नहीं कौन है। तो यार ये जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना यार यार मेरी फट जाती है, मतलब इतना डरावना बन करे ना यार ये। तो चलो यार गाइस अभी रात में आपको मिलते हैं एंड देखते गाइस रात होने तक आपको मिलते हैं यहाँ पे। एंड अभी लग रहा है ना मेरे को, अभी देख रहे हो ये बनकर आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यार आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो यार, पूरी वीडियो देखना एंड 1.5 के लाइक ज़रूर कर देना। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे रात हो चुकी है एंड मैंने रैम्प भी इधर लगा दिए है, तो अभी हम लोग कार को लेके निकलना है आपको बेनी के पास। मैंने रेड निंजा और मिस्टर के को उठाया नहीं क्योंकि यार वो लोग ज़्यादा ही थक चुके थे, बट चलो कोई बात नहीं यार, मैं बोला अकेला ही निकलते हैं
एंड अभी रात में और इसका टायर भी ना सामने का पंचर हो चुका है, पंचर हो चुका है, सिर्फ रबड़ बचा है भी, पता नहीं रबड़ घस घस के आओ यार स्टील में ना कन्वर्ट हो जाए, मतलब रबड़ निकल ना जाए, मतलब टायर होता है ना जिसपे स्टील पे होता है। चलो यार अभी इतना अंधेरा है आप देख रहे हो भाई, भाई क्या ही लग रही लैम्बोर्गिनी यार, एक बार देखो गाइस कितनी मस्त लग रही लैम्बोर्गिनी यार, यार मतलब एक ही नंबर। इसके लिए मैंने $100 मिलियन दिए और अभी मैं चला रहा हूँ इसको, अभी फटाफट से ना मेरे को निकलना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा अभी कोई मेरे पे अटैक कर पाए यार, अभी आई होप कि कोई अटैक ना करे। इसकी अभी स्पीड मेरे को चेक करनी थी यार, ये खतरनाक वाली कार है, इसका बहुत ज़्यादा ही नाम सुना है, मतलब जो भी बंदा बोलता है ना लैम्बोर्गिनी कौन सी लेनी चाहिए, तो यार लैम्बोर्गिनी सियान यार पता नहीं ऐसा क्या है, इतनी फेमस कार है ना ये देख रहे हो आप लोग, इसका ना टायर भी घस घस के निकल चुका है, अभी सिर्फ स्टील बचा है, सिर्फ रिंग बची है उसकी। एंड यार मैं आपको बोला था यार अभी गाड़ी चलाते टाइम ना अभी टायर भी निकल जाएगा घस जाएगा एंड सिर्फ रिंग बचेगी, तो यार वही हुआ, अभी कैसे भी करके मेरे को मिस्टर बेनी के पास जाएंगे एंड मिस्टर बेनी अब कोई कुछ मेरा कर सकता है, बस पैसे कम ले यार। चलो कोई ना, अभी बेनी अपना दोस्त है, अभी स्पीड देख रहा फिर भी गाड़ी भाग रही है, मतलब पूरे इसका ब्रेक सिस्टम देख रहा आपने, मैंने देखा ही नहीं सामने ट्रेन जा रहा, और इसके ब्रेक देख रहे हो भाई, इसीलिए इसका नाम इतना ज़्यादा है, ऐसे ही कोई कार होती नहीं। तो चलो फटाफट से आपको, ऑल राइट गाइस यहाँ पे मैं नज़दीक आ चुका हूँ बेनी के ओरिजिनल वर्क मतलब गैरेज, मतलब उसको बोलते यार मेरे कार में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे कर दें, इसको क्या बोलते हैं आप लोग मॉडिफिकेशन करें क्या इस कार को, अगर आप बोलते हो ना मॉडिफिकेशन करना है तो यार इस करना वाला मॉडिफिकेशन करवा देंगे बेनी को बोल के। तो चल यार बेनी, एंड एक सेकंड मेरी गाड़ी को क्या हो गया, एक सेकंड मेरी गाड़ी इधर इंजन बंद हो गया है और मिस्टर बेनी इधर क्या कर रहा है भाई साहब, एक सेकंड ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है इसका नाम बता दे यार। अरे बेनी सुन रहा है क्या, बेनी बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ यार तुम थोड़ा वेट करो यार, चल जल्दी से काम करें, एंड ये किसकी लैम्बोर्गिनी है भाई, भाई किसकी कार को मॉडिफिकेशन कराया इसने देख रहे हो, ये बोल रहा है ये ना पहले इसका कलर सब अलग था इसने सब कुछ मॉडिफिकेशन करवाया, ओ भाई चलो यार ये थोड़ा काम में बिजी है, जब तक हम लोग ना इसका गैरेज में थोड़ा सा एक सर्वे कर लें इसका गैरेज में क्या क्या है। भाई साहब इसका गैरेज ना बहुत बढ़िया है यार, मतलब मस्त बिजनेस चलता है इसका, बट चलो कोई ना यार भाई बढ़िया ये वैसे तो, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, बेनी का काम हो चुका है। चलो यार वो ना अभी कहीं पाने के लिए रखने जा रहे हैं एंड फटाफट से इसे बातचीत कर लेते हैं, यार ये बेनी क्या कार लग रही है, मॉडिफिकेशन क्या ही करवाया है इसमें, मतलब क्या ही डिज़ाइन करवाया है यार। मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, मेरे कार ना लैम्बोर्गिनी मैंने सियान ली है एंड उसका ना लोड हो गया, इसका सारा का सारा जितना भी डैमेज हुआ है सब रिपेयर करके देते हैं और कार अभी चल भी नहीं रही है, देख यार इधर तो आ जा, उधर क्या कर रहा है अभी भी, मतलब यार फटाफट देख रहे हो उसको लग रहा है कार चलेंगी, बट यार कार अभी तो इंजन भी बंद हो गया है, पहले डैमेज तो लगा है आप देख रहे हो, अंदर सब कुछ सही है गाड़ी चल रही है बट इंजन काम नहीं कर रहा है यार, इसमें ना क्या प्रॉब्लम पता नहीं यार। अभी बेनी जल्दी से तू इधर आ जा यार, बेनी बोल रहा है मजाक मत करो तुम इतने दूर से भी गाड़ी चला के आए हो, गाड़ी इधर कैसे बंद हो गया यार, वो तो मुझे खुद नहीं पता भी गाड़ी बंद कैसे हो गई, बेनी बोल रहा है अच्छा मजाक कर ले तो यार तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार, वो बोल रहा है भाई गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, चल यार कोई ना गाड़ी चेक कर लो फटाफट से एंड ना पता चल जाएंगे गाइस। तो यार अभी ना यहाँ पर गाइस गाड़ी यार चलो सही है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बोल रहा है ना अभी ज़्यादा ही नुकसान हो गया गाड़ी का, एंड अभी ना एक सेकंड लाइट जा रही है क्या भाई साहब, लाइट भी चली गई यार, लाइट जा रही है यार, बेनी क्या हो रहा है तेरे गैरेज में भूत कित तो नहीं आ गया ना अरे बेनी बोल रहा है अभी तो काम रुक जाएगा, अभी तो पहले इतनी रात हो चुकी है एंड यार लाइट भी चलेगी यार, बेनी कुछ कर यार अभी कैसे भी करके ना मेरे कार का कुछ कर ले, बेनी बोल रहा है टाइम तो लगेगा भाई, यार लाइट भी जा रही है यार, आज क्या हो रहा है हमारे साथ। चल कोई बात नहीं बेनी तू ना यार अपने ये कार को ना कर ले, मैं फटाफट से निकलता हूँ, मेरे को एक जाने के लिए एक मोटर बाइक दे दे या कुछ दे दे, बेनी बोल रहा है ठीक है यार तू अपनी कार ले ले, मतलब एक बाइक पड़ी है मेरी उधर से ले ले यार, गाड़ी बंद हो चुकी है यार, मतलब अभी इतना अंधेरा हो चुका है ना
यार यार क्या हो रहा है आज, बिल्कुल मतलब आज का दिन अपना कैसे जा रहा है, मतलब अभी आज कैसे भी करके दुश्मनी को ख़त्म करना है। पहले पुलिस पड़ जाती है, फिर मास्क वाले जो बनते हैं, यार अभी फटाफट से निकलना है। अभी तो आप लोग देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को फुल वॉच करना एंड अपने जो भी चैनल है अपने सारे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो यार अभी पूरे शहर की लाइट जा चुकी है भाई साहब, इतना डरावना लग रहा है, लाइट आ भी जा रही है। चलो कोई बात नहीं यार, गाइस लाइट जा रही है एंड आ रही है, अभी आ चुकी है यार, लाइट जा रही है एंड आ रही है यार, क्या सीन है पता नहीं यार। ये बाइक तो बढ़िया है यार, मेरी भी बाइक तो बढ़िया दी है मुझे। अभी मेरे को कैसे पकड़ के लेस्ट में क्या सिगरेट बनकर पे जाना है एंड उसके सिगरेट बनकर पे जाता हूँ एंड उससे पूछता हूँ कि यार ये बनता है कौन, उसकी इन्फॉर्मेशन तेरे पास है क्या। एंड जितने मैंने फ़ोटो खींचे हैं ना, मतलब जो भी लोकल बंदे हैं सब उससे पूछ। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं हमारे, आपको पता है लेस्टर के सिगरेट बनकर यहाँ पर ही है। तो चलो यार फटाफट से ना इसका हम लोग पूछते हैं यार, यहाँ पर देख रहे हो इसका सिगरेट बनकर भी इतना दूर है ना यार, क्या ही बोले यार, इतना ऊपर सिगरेट बनकर कौन बनाता है भाई। चलो ऊपर है इसमें सिगरेट बनकर है यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है वैसे तो। ओके यार फटाफट से ना अभी हम लोग इससे यार सिगरेट बनकर में निकलते हैं एंड देखते हैं कि यार क्या सीन है एंड क्या नहीं है। अभी फटाफट से जाना पड़ेगा अंदर एंड देखते हैं ना क्या सीन है भाई। बिल्कुल ये यार खतरनाक वाला सीन है, इसका बनकर देगा ना अंदर से, मतलब पूरे पत्थरों से बने हुए हैं, मतलब इसके पास इतने सारे बनकर है ना लेस्टर के पास, क्या ही बोले। तो अभी आज सारी इन्फॉर्मेशन से निकालता हूँ यार, ये मास्क वाला बंदा है कौन एंड ये मेरे पीछे पड़ा क्यों है एंड ना इससे सारी की सारी बातचीत में कर लेता हूँ एंड ये बोल रहा है ना, फटाफट से इसे बातचीत में कर लेता हूँ एंड ये बोल रहा है कि मुझे ना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है यार कोई ना, ऑनलाइन चेक कर ले एंड सारी जो भी उसका क्रैक करना है कर दे भाई, फिर मेरे को बता दे क्या करना है। जब तक वो कुछ कर रहा है जब तक ना इसके मैं रूम में घूम आता हूँ। यार ये रूम में करता क्या है वैसे, इतना इसके पास पैसा इधर बहुत था जब मैं आया था ना, इतना सारा गोल्ड था बट अभी एक ही बची है, लग रहा है सारा बेच दिया भाई। लेस्टर के फुल मजे भाई, मतलब फुल मास्टर माइंड एंड सब कुछ हैकर विकर एंड चलो यार यहाँ पे भी गोल्ड है देख रहे हो सारा भाई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला काम है भाई का गाइस, मतलब फुल पैसा है भाई, फुल पैसा वसूल वाला काम है। इसका रूम देखता हूँ, पर बेडरूम मैंने देखा नहीं। ओ भाई बेडरूम में तो यार मोमबत्तियाँ जल रहे हैं, मतलब माहौल बना के रखा है। चलो यार यहाँ पर टॉयलेट भी है। तो लेस्टर हुआ कि नहीं है, जल्दी से काम कर दे यार, बता मेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल। चलो लेस्टर आ चुका है, इससे फटाफट से बात कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है। सो यार मेरे को लेस्टर बोल रहा है कि यार ये जो भी बनता है ना यार, ये मेरे को पता नहीं, बस ये 100% श्योर डगन बॉस का ही काम है, बट ये जो मास्क वाला बनता है ना ये कोई अपना ही प्लेयर है यार, अपना ही प्लेयर है बट ये मेरे को नाम नहीं बता रहा है यार। इसको पता तो चल गया है बट लग रहा है ना ये मुझे नहीं बताना चाहता है यार, क्या सीन है। वो बोल रहा है कि अभी अपना ही कोई बंदा है, अपना ही कोई जान पहचान का बंदा है जो कि ना अभी मैं मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, मतलब ठीक है यार चलो यार फटाफट से ना निकलते हैं यार। ये झाड़ बीच में आ गया यार, लेस्टर कह रहा है ना यार उसका मतलब फ्रैंकलिन या ट्रेवर में से दोनों में से कौन होता है, बट नहीं यार फ्रैंकलिन तो नहीं है यार। मैंने जब फाइटिंग कर रहा था ना मास्क वाले बंदे से, अभी फ्रैंकलिन का कलर तो ब्लैक है, मतलब ब्राउन कलर है। एक सेकंड, ये क्या सीन है, ये लड़की के पीछे पड़े रातों रात हेड किया, ये ले भाई साला मारेगा इसको साला, बहन बहन है वो तुम्हारी एंटी, मेरे को रात पकड़ रहे हो यार, ये लोग लड़की छेड़ रहे भाई साले निकम्मे लोग, इनको ना भाई निपटा दूंगा सालो, ऐसा नहीं करते। अरे इसकी मैंने जान बचा दी अभी, वरना यार इधर देख रहे हो सारे जा रहे हैं बट कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो यार ये भूल रही ना मैं इधर से जा रही थी यार, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए यार। चल मैं तुमको ना रास्ते में छोड़ देता हूँ, यहाँ पे और भी गुंडे लोग होंगे क्योंकि ना ये रास्ता सेफ नहीं है। तो फटाफट से मैं इसको गाड़ी में बिठा देता हूँ एंड ना हम लोग निकलते हैं, हमारे इसको पहुँचा देते हैं एंड फिर हमारे गेस्ट घर पर निकलते हैं, क्योंकि ना अभी देख रहे हो तुम सब रास्ते में अगर इसको छोड़ेंगे ना तो यार इसके साथ कुछ भी गलत। एक सेकंड, ये पुलिस भी आ चुकी है यार, ये पुलिस देख रहे हो, मतलब यहाँ पे मर्डर हुआ है इसलिए ये लोग आ रहे हैं इतनी फास्ट। बट यहाँ पे जब इसको
लड़की के साथ गलत हरकत हो रही है तो यार कोई आ नहीं रहा। चलो पुलिस वाले से देखते हैं यार यहाँ पे क्या सीन है। पुलिस वाले चेक कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो पुलिस वाले भी आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब भाई काम कर रहे हैं पुलिस, देख रहे चला गया भाई, ये पूरे बिके हुए पुलिस वाले हैं, मतलब इनको कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है और कुछ नहीं। तो यार चलो इसको बोलते यार तुम ना, इनको कंप्लेंट भी कर सकते हो, बट चलो यार इन नौकरा अभी लाश हो चुके, फटाफट से निकलते हैं। इनको हमने बोल दिया हमने तो नहीं मारा है, हम तो इधर जा रहे थे, हम तो कपल है, हम तो इधर से जा रहे थे। तो यार उसने विश्वास कर लिया, उसको वही लगा कि यार ये दोनों कपल है तो यार ये क्या ही मर्डर करें। तो यार चलो पुलिस वालों को तो उल्लू बना दिया एंड फटाफट से ना हमारे गाइस बेली मैशन पे जाते हैं, इसको ना हम लोग जाते जाते घर छोड़ देंगे एंड आपको मिलते हैं बेली मैशन पे। ऑल राइट गाइस, तो यार यहाँ पे सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पे ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं एंड यहाँ पे ना हमको एक लोकेशन मिली है, यहाँ पर जो हमारी हैकर है ना सोनिया दी हैकर जा, जिसको मैंने रेस्क्यू किया था बालास गैंग से। तो यार ये मेरे को कुछ बोल रही थी एंड यहाँ पे ना चलो यार ये देख रहे हो मिस्टर के यार ज़्यादा ही ना इसके साथ ज़्यादा ही गोल मिल रहा है, मतलब लाइन मार रहा है सीधी बात बोले तो। तो यार देख रहे हो मतलब फुल स्टाइल में बोल रहा है कि मैंने बड़े बड़े काम कर रखे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही एंड यार सोन यार चल यार अभी इसका इसका काम हो गया यार, फटाफट से के अपना काम कर एंड जल्दी से ना अपने को निकलना है एंड जिसका ना जो मास्क पहने उसका ना पर्दाफाश करना है। तो इसको हम लोग पूछ लेते हैं हैकर जो है ना उसने बोली है, उससे फटाफट से बात करते हैं, देखती है वो क्या कहता है। तो मुझे लग रहा है ना तो वो कह रही है देखो गाइस हमें ना पता चला है कि ये जो बंदा है ना वो इधर ही कहीं है, मतलब वो तुम्हारा ही फ्रेंड है उसने मुझे कहा। चलो यार अभी फटाफट से ना मैं आपको रास्ते में बोल दूंगा, यार मिस्टर के जल्दी से तो उतर अभी हमारे पास टाइम नहीं है वरना वो ना भाग ना जाए। अभी वो कह रही कि वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है एंड वो एक बंदा है, तो उसको देखोगे तो यार मतलब लोल हो जाएगा, मतलब यार चलो यार फटाफट से ना निकलते यार गाइस। मतलब अभी तक आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डिफेंडर लिख देना, लास्ट चेक पॉइंट है भाई डिफेंडर, तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो यार चलो फटाफट से ना निकलते हैं एंड मुझे उसने कहा कि यार वो वहाँ पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है एंड वहाँ पे तुमको जाना है एंड वहाँ पे ना वो मास्क वाला बंदा भी आया, क्योंकि ना वहाँ पर हमने एक कार के अंदर एक चिप लगाई थी एंड पता नहीं उसने वो चिप उठा दी एंड उसने ये ट्रैक कर दिया। मतलब यार मुझे खुद नहीं पता यार ये क्या बोल रही है, बट चलो यार अभी उसने बोली है तो यार जाके चेक करना पड़ेगा लोकेशन क्यों, क्योंकि यार हमारे जो हैकर ने इन्फॉर्मेशन निकाली ना ये सुने ना अभी ये लिस्टर भी निकाल नहीं पाया, बट इसने कैसे निकाल दिया मुझे समझा नहीं गाइस। चलो यार फटाफट से ना यार गाइस यहाँ पर निकलते हैं एंड गाइस एंड देखते क्या होता है। ये देख रहे हो क्या ही गाड़ी चला रही है, मतलब देख रहे हो लोल यार क्या ही गाड़ी चला रहा है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पर ना यहाँ पर ही कहीं मीटिंग होनी चाहिए। लेस्टर ने मेरे को बोला था कि यार देखो तुम इधर जा सकते हो बट मैं तुमको नहीं बोलूँगा। यार लेस्टर भी ना यार मेरे से बात छुपा रहा है पता नहीं क्यों, यार लेस्टर यार मेरे से धोखा तो नहीं कर रहा है ना, ये मुझे लग रहा है ये लेस्टर भी हो सकता है यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अगर ये लेस्टर हुआ ना मास्क के अंदर तो यार भाई फिर तो हमारे लग जाएंगे बड़े वाले। तो यार एक सेकंड यहाँ पर मैं देख लूँ, यार तुम लोग सब लोग रेडी हो ना अभी यार ये मास्क के अंदर बंदा कौन है, एक सेकंड यहाँ पर ये क्रूजर है ना और ये ट्रेवर लग रहा है मुझे तो, एक सेकंड मैं नज़दीक जाके देख लूँ ये ट्रेवर ही है ना, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ट्रेवर ही लग रहा है मुझे तो। यार अभी मुझे नज़दीक जाके देखना पड़ेगा ये ट्रेवर है मेरे साथ धोखा कर रहा है क्या, अगर ये मास्क मैन ट्रेवर है ना तो भाई मेरे साथ लोल हो जाएगा एंड ना भाई मैं ट्रेवर को छोड़ने वाला नहीं। यार मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है ट्रेवर ने, डगन से हाथ कब मिला लिया। यार अभी फटाफट से मैं देखता हूँ, अभी फिर से मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यार ये जो है ना ट्रेवर है एंड ये क्रूजर से कब मिल गया, क्रूजर डगन बॉस का बंदा है एंड ये यहाँ पर बातचीत कर रहा है, पता नहीं ये देख रहे पैसा गाड़ी सब पहुँचा रहा है, वरना वही तो मैं बोलूँ ट्रेवर ये लोकल बंदे से कनेक्शन होता है एंड ट्रेवर आपको पता है कितना गरीब बंदा है एंड ना भाई साहब न्यू। सो यार वो भी मैं बोलूँ ये लोकल बंदे के पास आरपीजी कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास पहनने वाले कपड़े नहीं है, वही तो मैं बोलूँ ये ट्रेवर सब अरेंज कर रहा है इनके ना। ऑल राइट यार, तो यार देखो मोस्ट सिक्योरिटी इनको मारना है ठीक है ना, तो यार धीरे से मतलब अभी ना कुछ नहीं बोल सकते यार, अभी हमको कैसे भी करके मैं इनको एसपीजी वालों को बोलता हूँ। देखो ये सादे लोकल बंदे लग रहे हैं मुझे ना, के मिस्टर अटैक कर दो, के बात कर रहा है चलो ठीक है किसी से, यार मुझे लग रहा है डायरेक्ट अटैक करना चाहिए क्योंकि ना ये वही बंदे लग रहे हैं जो पहले वाले थे,
मिस्टर के बोल रहे हैं देखो हल्के मत लो, ये बंदे ना तगड़े भी हो सकते, तो चलो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया है। मैं बोला यार के देख यार इतना कुछ खास नहीं लग रहे भाई, ये के का बोलना है कि ये बंदे है ना मैंने इनसे कहीं देखा, ये बोल रहा है कि ये लोकल बंदे नहीं है, ये बोल रहा है कि कमांडो है। यार मैंने कमांड दे दिया साइड किया है, यहाँ पर प्रॉब्लम ना जो मिस्टर के ने मुझे अभी बोला ना लास्ट मिनट में, इसका बोलना है कि यहाँ पे सारे कमांडो है, ये लोकल बंदे कोई भी नहीं है। तो यार ये फिर क्रूजर के बंदे हो सकते हैं, क्रूजर आपको पता है कितना बड़ा कमांडो है, एंड भाई साहब इतना खतरनाक प्लेयर है ना क्रूजर, मतलब क्या ही बोले। चलो यार यहाँ पे हमारे एसपीजी सिक्योरिटी, यार मैं सिक्योरिटी जब बोलता हूँ ना मेरी जबान यार फिसल जाती है, तो यार उसके लिए सॉरी सभी को। तो यार चलो फटाफट से ना मैं इनको निपटा दूँ। यार ये कमांडो को देखते हैं, एंड देखते हैं इसमें से कौन रियल कमांडो है, एंड क्रूजर तो मेरे को पता है। यार इसके एक बंदे के पास हाईटेक भी फोन है भाई, ये गन ये ट्रेवर भाई सामने मेरे ट्रेवर है भाई, ये जो गन से मार रहा है ना इससे पूरा ये मतलब चिड़े उड़ जाएंगे मेरे, अगर मेरे को लगता है ना भाई ये क्रूजर, और क्रूजर के पास हाईटेक भी फोन है भाई साहब। यार चलो हमारे बंदों के पास भी अटैक हो रहे हैं, एंड यहाँ पर देख रहे हो पिस्टल ट्रेवर मेरे से फाइट कर रहे हैं साले, मेरे से दुश्मनी कर दी, तो बहुत ज़्यादा ही पछताएगा यार इसको ना, ये देख रहे हो ये देख ही नहीं रहा भाई साहब, वेस्ट पेन दिए ट्रेवर को भी वेस्ट पेनवा दिया। अभी यार ट्रेवर यार मेरा फ्रेंड है, बट यार गाइस अब आपको पता है यार ट्रेवर का क्या सीन है, अभी दुश्मन हो चुका है यार, फटाफट से निपटाओ यार ये मर ही नहीं रहे, एंड ये सारे भाई कमांडो से। एंड यहाँ पे हमारे एसपीजी सिक्योरिटी यार मिस्टर के बोल रहा है यार देखो मैंने तुमको बोला था यार, अभी बोलने से क्या होगा, अभी हमको फाइट करनी है, अभी मरो या जीतो वाला सीन है। एंड उसके पास हाईटेक भी फोन है यार, अभी हम लोग को लग नहीं रहा कि यार हम लोग हार भी सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे मेरे एसपीजी सिक्योरिटी मर चुके हैं हाईटेक भी फोन के सामने, यार उसके सामने वेस्ट भी काम नहीं आ रही है यार, अभी ना कैसे भी करके आराम से फाइट करनी होगी यार, बहुत कवर में खेलना पड़ेगा मिस्टर के, कवर में खेलना मतलब। एक सेकंड ये मेरा मॉन्स्टर सिक्योरिटी क्या हो गया भाई, मॉन्स्टर सिक्योरिटी तक मर गई मेरे यार, यार उसके पास ना हाईटेक भी फोन है, एंड हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे गाइस यार, अब क्या करें, मुझे क्या पता उसके पास हाईटेक भी फोन होंगे, एंड इतना खतरनाक वाला गन है ना उसके पास यार, अभी कैसे भी करके ना कुछ करो यार। ये देखो मेरा एक और प्लेयर मर गया, एंड चलो यार एक जिंदा है भाई, इनको कुछ हो नहीं रहा है, इनके पास बढ़िया वेस्ट है यार, अगर वेस्ट टूट गया ना इन लोग का यार लग जाएंगे मिस्टर के को, मैं तो जो बोल रहा हूँ यार मरना नहीं है ठीक है ना। अभी हम लोग पहले ही चार लोग को लेके आए, हमको लगा हम चार मिलके सबको मार देंगे जैसे हमने पहले मारा था, बट वो लोकल बंदे थे, बट यार ये ट्रेन वाले बंदे। ये देखो मेरे सामने से एक बंदा मर गया, और भाई साहब ये देखो मॉन्स्टर सिक्योरिटी का भाई यहाँ पर गेम ही ओवर हो चुका है, हाईटेक वेपन से फायर किया क्रूजर ने। यार ये क्रूज़र तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक निकला, जितना मैंने एक वो किया था, ओ भाई साहब ये देखो पत्ता हवा में उड़ जा रहा है भाई, मेरे को कैसे करके बचना पड़ेगा। मिस्टर के साइड में हो जा वरना तेरे फट जाएंगी, मिस्टर के मैं तेरे को बचा दूंगा यार। अभी यहाँ पे ना गेम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है यार, बिल्कुल ही गाइस खतरनाक हो चुका है यार, कैसे भी करके ज़िंदा रहना है, मरना नहीं है भाई, मरना नहीं है ठीक है ना, सबको जिंदा रहना है यार। के तेरे को बोल रहा कवर में हो जा वरना मर जाएगा, उसके पास हाईटेक भी फोन है। मिस्टर के बोल रहा है यार मेरे पास अच्छी वाली वेस्ट है, यार तेरे पास अच्छी वेस्ट तो है बट यार ये मेरी हेल्प कर रहा है, बोल रहा है कि यार तुमको मरने नहीं दूंगा। यार क्रूजर को कैसे करके निपटाना पड़ेगा यार, ये ऐसे चलता रहना हम तो मर जाएंगे। अभी कॉल करना पड़ेगा फटाफट से, कॉल करके अभी एसपीजी सेक्रेटरी को बुलाए यार। चलो यार अभी यहाँ पर हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं सबको मारने का, ये के देखो एंड ट्रेवर कहाँ भाग गया साला, यार ये ट्रेवर कहाँ चला गया, ये ट्रेवर को भी पहले पकड़ो यार। ये देख रहे हो गाइस यहाँ पर ना इनके बंदे भी आई थी, इनके बंदे भी आ रहे हैं यार, गेम ओवर करना होगा कैसे भी करके ना, गेम ओवर करना होगा। ये देख रही अकेला बंदा बचा है आई थिंक भाई, ये क्रूजर में कितना दम है यार भाई, ये बिल्कुल ही खतरनाक है, मतलब बैड ऐसे देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक है। एक सेकंड ये के को क्या हो गया, और ये एसपीजी सिक्योरिटी, अरे भाई यहाँ पर के मर चुका है क्या यार, मुझे फटाफट से कैसे भी करके निकलना होगा अब यार।
मैंने भी जस्ट देखा के और जो एस पी जे गार्ड है वो दोनों एक साथ नीचे गिरे हैं। भाई यार ये सच है ना या मैं सपना देख रहा हूँ? भाई के कैसे मर सकता है यार? के पास इतने ज़्यादा वेस्ट है यार, इतना पावरफुल बंदा कैसे मर गया यार? आपको पता ही नहीं यार के इतना खतरनाक बंदा है ना। और यार ये मिस्टर क्रूजर यार इतना खतरनाक, ऐसे भाई साहब देख रहे हो? अगर ऐसे चलता रहा ना फिर तो यार मेरे तो चिचड़े उड़ जाएंगे यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके कुछ लोग भी आ चुके हैं यार, इसके कमांडोज भी आ चुके इधर। चल भाई तू भी ले, ये सादा बंदा है, चल तू भी गया यार। अब क्रूजर का यार ज़्यादा ही पावर, इतनी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, इसके पास हाईटेक वेपन है इसलिए ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसके पास गन नहीं होती ना तो यार इसको मैं जगह पे मार देता। नहीं इसके पास वेस्ट भी ज़्यादा ही पावरफुल है, एंड पहले ये खतरनाक वाला बिल्डर है, इसका मसल देख रहे हो यार, इसमें ज़्यादा ही दम है भाई। ये मरने का तो नाम ही नहीं ले रहा, इतना गोली मार रहा हूँ इसको। एंड यहाँ पर चलो यार इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट यार अभी मेरी हट गई है। ये देख रहा हूँ मैं इतना बच रहा हूँ ना इससे, बट इसके सारे गोली मिस हो रहे हैं। बट चलो यार, और भाई बचाओ यार कसम से यार। और लग रहा है ना मेरा कोई एक गार्ड बचा है पीछे एसपीजी का, वो पीछे से फायर कर रहा है। चलो यार बहुत सही काम कर रहा है, बहुत सही। अभी चल तू मिले, इसको गया इसको मिटा दिया। और भाई ट्रेवर, अरे मुझे लगा ये भाग चुका है। भाई ट्रेवर दोनों मिलके मार रहे भाई यार, लोल गाइस कसम से। एंड यहाँ पे ना इसके और भी कमांड आ चुके हैं यार। अब तो कुछ भाई मैं अकेला बचा हूँ, एंड मेरा एक एसपीजी गार्ड है आई थिंक वहाँ पर, वो वहाँ पर फायर कर रहा है यार। ये तो लोल हो रहा है, चलो फटाफट से निपटाना पड़ेगा, कैसे भी करके इनको निपटाना पड़ेगा। चल चल तू भी गया, बहुत सही बहुत सही। इसको भी ले लेता हूँ, एंड ये लोग, चलो इनको भी ले लिया, इनको भी ले लिया यार। ये क्रूजर ना ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है, मतलब देख रहे हो। चल बेटा तू भी गया, चल चल भाई इसको भी, क्रूजर को कैसे भी करके देखना पड़ेगा। एंड मेरा वहाँ पे एक एसपीजी गार्ड का बंदा है, वो ज़्यादा ही मार रहा है उसको वहाँ से यार। वो कौन है पता नहीं, बहुत सही खेल रहा है वो तो। वो अभी तक मरा नहीं है वहाँ से ना, फायरिंग हो रही है अभी वहाँ से, अभी भी फायरिंग हो रही है। यस गाइस अभी भी जीत सकता हूँ, अभी मैं ट्रेवर को मार रहा हूँ, बट यार ट्रेवर ने वेस्ट पहन लिया है। अभी भी हम जीत सकते हैं, कोई बात नहीं। चल चल यार ट्रेवर 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 तू भी आ जा यार। ये ट्रेवर भी यार, इस ट्रेवर को मारना इतना मुश्किल है ना, आपको पता ही है भी कितना खतरनाक प्लेयर है। बट चलो कोई बात नहीं, इसको भी निपटा देंगे फटाफट से ना, गेम ओवर करना होगा कैसे भी करके यार। ज़्यादा ही खतरनाक सीन हो चुका है बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बोले। एंड यहाँ पे ना एक टिकट यार, ये का हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं क्या यार? ये मेरा पीछे तो नहीं कर रहे ना? चलो यार इसको मैं डैमेज करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मेरे को ऊपर से डैमेज करेंगे ना भाई, भाई फिर तो मेरा आज एंड है गाइस, आज मेरा एंड है भाई। माइकल दी सेंटा का आज गेम ख़त्म होने वाला है यार, इतना पावरफुल एनिमी यार। मेरे एसपीजी से के सिक्योरिटी मर चुकी है यार। मैंने यहाँ पर रेड निंजा को लाना चाहिए था, बट रेड निंजा को मैंने सिगरेट बनकर पे रखा था वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे लैम्बोर्गिनी सियान है। एंड ये लोग अभी भी मेरे पे फायर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी यार कैसे भी करके यार बचना पड़ेगा हमें गाइस, चलो कोई बात नहीं, बहुत सही यार। ये लोग मेरे पे यार, ये मेरा पीछा कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था मेरा एसपीजी कार्ड जिंदा है। हाँ ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, पावर देखो, पावर देखो, इस कमांडो की पावर देखो यार। ये गोली ना इसमें से जा रही नहीं है, जा रही है तो बट स्लो जा रही है आई थिंक, इसीलिए वो मर नहीं रहा। चलो वो तो चले गए भाई, वो चले गए। क्रूजर गया भाई, क्रूजर का आई थिंक पता नहीं कुछ वेस्ट डैमेज हो गया इसलिए भाग गया। साला वही काम है इन लोग का ना, सिर्फ भागने का ही काम है, एक तो अटैक करते फिर भाग जाते। और चलो कोई बात नहीं, इनका गेम तो ओवर कर चुका है मैंने बिल्कुल ही गाइस, गेम ओवर हो चुका है। और यार चलो यार फटाफट से यार, एसपीजी गार्ड तू जिंदा है भाई, इसको देख के ना मेरी जान में जान है, क्योंकि वो पीछे से अटैक कर रहा था ना क्रूजर की, भाई बैंड बच चुकी थी, मतलब हम 2v2 हो रहा था। एंड ये देख रहे हैं ऊपर से, ये मर नहीं रहा यार, ये मर ही नहीं रहा। चलो ये कहाँ से आ गया तू भी ले, ये तो आसानी से मर गया, उसको भी मार दिया। चलो उसको भी मार दिया एसपीजी गार्ड ने हमारे।
यार ये मिस्टर के मर चुका है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार, कैसे भी करके मिस्टर के को बचाना होगा। जल्दी से इधर आ जा गार्ड। एक सेकंड, एक और बंदा है, चल इसको भी ले लेता हूँ। क्रूजर ना आ जाए, बस क्रूजर आ गया ना भाई निकलना पड़ेगा भाई, क्रूजर का बैंड बजानी पड़ेगी। उसके पास खतरनाक वाली हाईटेक वेपन है, मुझे लगा मैं उसे आसानी से मार दूंगा। जो मेरी हैकर ने बोली ना, वहाँ पर सिर्फ मास्क वाला बंदा आएगा, सिर्फ इतना उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। बट यार ये क्रूजर कहाँ से आ गया बीच में? तो यार ट्रेवर ने डगन बॉस एंड क्रूजर से हाथ मिला लिया। तो यार चलो अभी ना फायर, फटाफट से गाड़ी इधर आ जाए, कोई नहीं है। वो बोल रहा है ना मैं देखता हूँ, तुम देखो जाके जल्दी से के को। यार ठीक है मैं देखता हूँ उसको। यार के जिंदा है क्या तू? यार मुझे लग रहा है के जिंदा होगा यार, के इतनी आसानी से मर नहीं सकता। उसके पास ना इतनी पावरफुल वेस्ट है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो यार इस बेचारे की क्या ही मतलब यार। चलो मिस्टर के जिंदा लग रहा है गाइस, मैं उसके अभी देखता हूँ ट्राई करके। भाई के मर नहीं सकता, इतनी आसानी से पावरफुल बंदा है ना ये भाई, ये मर ही नहीं सकता, इसके पास इतनी पावरफुल वेस्ट है। तो मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ। यार के उठ जा यार, फटाफट से उठ जा के, तुझे कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से उठ जा यार। वो उठ ही नहीं रहा यार, गार्ड जल्दी से इधर आ जा। उसके सांस तो चल रही है इधर इधर, जल्दी से आ जा इधर। कौन है? इसको मार दे साले को। चल तू भी गया, गया मतलब गया भाई, उसको मारा नहीं है यार। उसके सांसें चल रही है, एसपीजी गार्ड उसके ना सांसें चल रही है। उसको जल्दी से होश मिलाओ, उसको गोली तो लगी नहीं है कहीं। चलो यार गाइस उसे होश तो आ चुका है यार। के तुझे होश आ चुका है यार? क्या प्रैंक कर रहा है? बोल रहा है ना मैं प्रैंक कर रहा था यार। ये कोई प्रैंक का समय है क्या मिस्टर के? यार मिस्टर के का गाइस क्या ही बोले, कभी लाइन मारता है, कभी कॉमेडी करता है, कभी प्रैंक करता है। बोल रहा है मैं तो मजाक कर रहा था, बट इसे गोली तो लगी है यार। बट चलो यार फटाफट से ना मैं अपनी डिफेंडर लाता हूँ एंड इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा यार। मतलब उससे गोली तो लगी है एंड गोली लगने के बाद ही बोल रहा है मैं मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था, बट उसे लगा है बहुत ज़्यादा ही। वो हमें बता नहीं रहा कि उसे ना हम लोग डूब ना समझे, मतलब उसने उसकी इज्जत कम ना हो जाए। बट चलो कोई ना यार, उसने हमारे लिए इतनी खतरनाक वाली फाइट की, कमांडो से फाइट किया एंड तो यार चलता है, इतना तो चलता है। चल यार इसको ना फटाफट से हम लोग कार में बिठा देते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे कार में बिठा दिया है उसको, पीछे वाले सीट पे उसको लेटा दिया है। उसे ज़्यादा ही अंगार हो रही है, मतलब हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यार फटाफट से ना हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, देख सकते हो यार कितना उसे दर्द हो रहा है बेचारे को यार। सबने सारे बंदों को चेक किया एंड बट यार किसी की भी सांसें नहीं चल रही थी। तो यार ये इसी के मतलब, इसने हाईटेक वाला ना वेस्ट पहना है तो इसे कुछ नहीं होगा। तो अभी तक वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो फटाफट से ना गाइस। सारी वीडियो यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो मैं आपको एक चेक पॉइंट देने वाला हूँ। तो वो चेक पॉइंट होगा गाइस आप लोग का लास्ट मिस्टर के ओपी, मिस्टर के लिख देना, क्योंकि यार ये के का खतरनाक वाला मोमेंट था यार। मतलब क्या ही फाइट किया हमारे लिए एंड भाई सब ने फाइट किया एंड भाई साहब मतलब मज़ा ही आ गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो यार इस वीडियो को लाइक करके 1.5 के लाइक्स का जरूर कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय।